शहर की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट अंतर्गत 210,000 की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फिरियादी को 2 दिनों के भीतर उसके पैसे वापस दिला दिए। इस बारे में फिरियादी और साइबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अशोक बागुल ने अधिक जानकारी साझा की। 21वीं शताब्दी में तकनीक ने जीवन को गति दी है, लेकिन उसके साथ अपराध को भी जन्म दिया है। उपराजधानी भी इससे अछूत नहीं है। साइबर अपराधियों द्वारा सरकारी संशोधन संस्था की वेबसाइट हैक कर जानकारी चोरी करने का प्रमाण बड़ा है। हालांकि इन सारी चीजों में भी शहर का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट बड़ी ही बखूबी से कार्य कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम डिपार्टमेंट अंतर्गत 210,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। फिरियादी सीताराम चतुर्वेदी के बैंक खाते से 210,000 रुपए अचानक ट्रांसफर हुए, जिसके बाद वो इस बारे में जानकारी लेने के लिए बैंक गए, जहां उन्हें बताया गया कि उनके पैसे FD में ट्रांसफर हुए हैं, जिसके बाद वो इस बारे में शिकायत करने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में गए, जहां उन्हें सही मायने में न्याय मिला और वो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से समाधानी थे, ऐसा फिरियादी ने खुद कहा। मेरा नाम सीताराम चतुर्वेदी, गोरेवाड़ा में रहना है। 31/3/2021 को 3:30 बजे मेरे अकाउंट से 210,000 रुपये ट्रांसफ़र हुआ। मैं बैंक में गया और बैंक में जाके वहाँ से मैनेजर से मिला, उन्होंने बताया, बोले आपका पैसे जो है तो FD में ट्रांसफ़र हुआ है 210,000 रुपये। उन्होंने बोले एक काम करिए, आप साइबर में जाइए, साइबर में कंप्लेन दीजिए। साइबर में आए, PI बागुल सर से मिला, बागुल सर बाक्सर को बुलाए, बाक्सर और कृष्णा इनवोते को, इन्होंने मेरी कंप्लेन लिए और कंप्लेन लेने के बाद में इन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया, बैंक में लगाया, इधर उधर फ़ोन लगाया उन्होंने, और 2 दिन के बाद में मेरे पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ गए। हाँ, मेरे को पूरी समाधानी है और मैं लोगों को यही बोलूँगा कि यदि किसी के साथ में ऐसा होता है, बैंक संबंधित किसी प्रकार के यदि फ़ोन वगैरह या OTP वगैरह जो आता है, उसको आप न बता के और साइबर में जाइए और कंप्लेन दीजिए, आपका काम हो। इस मामले के बारे में बात करते हुए साइबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अशोक बागुल ने कहा कि उन्हें RBI गाइडलाइंस 2017 के अनुसार इस मामले में कार्रवाई की और फिरियादी को न्याय दिलाया। जी सही है, जैसे कि आपको पता है कि चतुर्वेदी साहब के अकाउंट से 210,000 रुपये चले गए, तो वो कैसे गए, बिकॉज उन्होंने कोई OTP या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया था एज़ पर हिज ओन वर्जन। तो बैंक में गए तो शायद बैंक में उनको सही ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, तो वो इमीडिएटली साइबर पुलिस स्टेशन में आए, तो उनका कंप्लेंट हमने लिया। API मिस्टर केशव आ गए, हमारे कृष्णा यूनाते हैं, इन्होंने इस केस को बढ़िया ढंग से फॉलोअप किया। इमीडिएटली नोडल अफसर को मेल करना, उससे बात करना या बैंक ऑफिसर से बात करना, ये सब बातें की। और RBI का जो गाइडलाइन है July 2017 का, जिसमें कि मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द बैंक्स, मिनिमम लायबिलिटी ऑफ द बैंक्स, मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द कस्टमर्स, मिनिमम लायबिलिटी कस्टमर्स, इसके बारे में डिटेल में डायरेक्शन दिए गए हैं। उसके तहत हमने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि अगर कस्टमर का कोई फॉल्ट नहीं है तो ये पैसा कौन देगा, क्या देगा। फिर इसमें RBI के डायरेक्शन के हिसाब से जो भी कार्रवाई करनी थी वो बैंक वालों से हमने करवाई और उनका पूरा 210,000 रुपये 2 दिन में उनको वापस दिलवाया। तो मेरी आपके माध्यम से जनता को रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है और आपके अकाउंट से कोई पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, सो यू प्लीज़ अप्रोच द कंसर्न बैंक, यू टेल देम दैट दीज आर द गाइडलाइंस ऑफ RBI, विच इज़ द नोडल एपेक्स एजेंसी ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे देश की, तो उस हिसाब से आपको बैंक से वो पैसा वापस मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आप पुलिस की या साइबर पुलिस की हेल्प कीजिए, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। इस वक्त उन्होंने जनता को कहा कि अगर आपकी जानकारी के बिना पैसे ट्रांसफर होते हैं तो इस बारे में जल्द से जल्द बैंक को अप्रोच करें और अगर वहां उन्हें समाधान नहीं मिलता तो साइबर डिपार्टमेंट उनकी जरूर मदद करेगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।